वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है जी, अब देखिए वैनिशिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है, यहाँ जरा तवज्जो करें। वैनिशिंग पॉइंट जो है बहुत ही काम का टूल है, और इसके अंदर क्या होता है, ये छुपा हुआ टूल है। जिस तरह हमारे पास क्लोन स्टैक टूल और ये सब टूल सामने सामने होते हैं, ये टूल हमारे पास सामने नहीं होता, ये अंदर से छुपा हुआ होता है। अब वैनिशिंग पॉइंट के अंदर काम क्या होता है, लेट से हमारे पास जो है वो एक ये एक एरिया है विंडो का, ठीक है। आप चाह रहे हैं यहाँ मैं कोई इमेज लगा दूँ, मेरे पास ये इमेज है मोनालिसा की, सब जानते होंगे इनको, yes. नहीं जानते तो आप कहेंगे कि सर हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से हम, आपने हमें ट्रांसफॉर्म बताया था, हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कंट्रोल टी और कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से यूं कर देंगे इसको, हम यहाँ से यूं कर देंगे और यहाँ से हम ये चीज कर देते हैं। मगर इसके अंदर मसला क्या होगा कि आप अपने हिसाब से, आप चाह रहे थे कि सिर्फ यहाँ तक की इमेज आती इसकी, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अपने हिसाब से भी एडजस्ट करने का एक और तरीका है, आप उसको क्लिपिंग मास्क करो, क्रॉप कर दें, ठीक है। मगर क्रॉप में फिर हमको डिफाइन कैसे होगा कि यार कितना एरिया हम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक ये काम भी हो जाता है वैनिशिंग पॉइंट से। वो कैसे, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, अब ये इमेज में लेकर आ गया, या तो इसी जगह पर लेकर आ गया, थोड़ी छोटी कर ली, ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्रेस करके रखा हुआ है, और मैंने इस लेयर की थंबनेल पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जितने भी पिक्सल्स होंगे वो ये सेलेक्ट कर देगा। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसकी की कंट्रोल सी से कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप चाहो तो उसको पहले हाइड कर दो, डिलीट कर दो, कोई मसला नहीं। अब आपने कॉपी कर ली एक मोनालिसा की, ठीक है। अब आप नई लेयर ले लें, नई लेयर यूं ले रहा हूँ कि मैं इसी पे वैनिशिंग पॉइंट इफेक्ट लगाऊंगा। अगर मैंने इस पे लगा दिया तो फिर वो इफेक्ट को हम डिलीट नहीं कर सकते बाद में, तो मैंने एक नई लेयर ले ली, मैं जाऊंगा विंडो पर और सॉरी फिल्टर पे जाऊंगा और ये लगाऊंगा फिल्टर वैनिशिंग पॉइंट का फिल्टर, ठीक है। जैसे मैंने ये ऑन किया